नमस्कार। एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, एक बार पुनः हम आपके सम्मुख हैं एक नए मेहमान के साथ। आप जानते हैं कि अलग अलग क्षेत्र से हमारे साथ एक मुलाकात में अतिथि पधारते हैं। आज मीडिया जगत के क्षेत्र से एक बहुत ही नामचीन हस्ती, जो मीडिया की लगातार सेवा करते आ रहे हैं, समाज की सेवा करते आ रहे हैं, और मीडिया जगत में ही नहीं बल्कि भारतवर्ष में जिनका नाम बड़े ही सम्मान से लिया जाता है, वे अतिथि आज हमारे साथ हैं। आप हैं डॉक्टर गुलाब कोठारी जी, जो लेखक भी हैं, पत्रकार भी हैं और राजस्थान पत्रिका के प्रधान संपादक हैं। आपने 2 दर्जन से भी ज़्यादा किताबें लिखी हुई हैं। कई विश्वविद्यालयों ने आपको डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया है और आप वेद विज्ञान के मनीषी हैं। ऐसी महान विभूति आज हमारे साथ है, तो आइए उनका अभिनंदन करते हैं और एक मुलाकात कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कोठारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत अच्छा लग रहा है आपको आज स्टूडियो में पा करके। और वैसे आप मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, तो मैं पहले जानना चाहूँगा कि आपकी रुचि क्या प्रारंभ से इसमें थी कि मैं मीडिया के क्षेत्र में जाऊँ और समाज की सेवा करूँ, या फिर लक्ष्य जीवन का कुछ और था? इस प्रश्न का उत्तर अभी भी स्पष्ट नहीं है मेरे दिमाग में क्योंकि जब मैं कॉलेज में आया जी, तो सबसे पहले तो मेरे को यह आया कि मुझे पढ़ाई नहीं करनी मेरा मन उचाट हो गया। अच्छा, कॉलेज में? कॉलेज में जी। तो सेकंड ईयर में था मैं साइंस में जी, लेकिन मैंने छोड़ दिया। फिर 5-6 महीने रहा तो ये स्पष्ट नहीं हुआ कि मुझे क्या करना है। मैं एयरफोर्स में चला गया टेक्निकल साइड में जी। वहाँ जाने का अर्थ था कि मैंने क्षत्रिय की ड्यूटी संभाल ली। 7 साल वे 8 साल वहाँ रहा एयरफोर्स में जी जी। 1975 में वापस घर आया तो पिताजी के साथ इस व्यापार में जुड़ गया, तो मेरा क्षत्रिय वाला काम खत्म हो गया, वैश्य वाला काम यहाँ शुरू हो गया। जी जी। अभी 2009 में मेरे 60 साल जिस दिन पूरे किए, मैंने अपने हाथ जोड़ के समझिए सेवानिवृत्ति वहाँ से ले ली जी। अब मैं इस अध्ययन में आ गया तो अब मैं ब्राह्मण बन गया। एक जन्म में आदमी कैसे अपना वर्ण बदल लेता है, जाति बदलना एक अलग बात है, ये तो शुद्ध वर्ण। अब जो वेदाध्ययन करेगा वही ब्राह्मण, बिल्कुल ब्रह्म के ज्ञान से जो जुड़ेगा वो ब्राह्मण कहलाएगा, ये वेद की परिभाषा है जी जी। तो इस तरह से चलते चलते आज हम इस धरातल पर पहुंचे। लेकिन जो इसमें सबसे बड़ी भूमिका है वो एक नंबर पे मेरे पिताजी की है, क्योंकि उनको लिखने का अभ्यास, पत्रकारिता का अभ्यास जी, और क्योंकि उन्होंने अखबार शुरू किया तो यूं समझिए कि शब्द ब्रह्म के लिए संघर्ष करने का जो मादा था उनके अंदर वो बहुत बड़ा था जी। वो किसी भी तरह की कठिनाई से नहीं डरते थे संघर्ष के अंदर, और उनको जो कहना है और जो सच्चाई है वही कहनी है जी, ये उनकी पहचान बनी। हम यूं समझिए उसी पगडंडी पे चले, फिर एक गुरु बने इसी बीच में, तो वो मेरी जिज्ञासा को देख के उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया कि भाई इस बच्चे में शायद कुछ कण है जी, अगर मैं छींटा पड़ जाएगा तो खुलेगा। तो वो मेरे को पिताजी के पास ले गए कि भाई ये बच्चा मैं आपसे मांगने आया हूँ। तो मेरे से क्यों पूछते, इसी को पूछो। मैंने उनसे कहा बात पंडित जी संस्कृत नहीं आती, पढ़ा लिखा ग्रेजुएट भी नहीं हूँ, और आप कह रहे हो वेद का तो नाम ही नहीं सुना। उन्होंने कहा तुम खाली हाँ भर दो, बाकी तो जिम्मेदारी मेरी है जी। मैंने कहा था अगर उसके बाद भी आप मुझे सिखा देते हो तो हो बाकी मेरी। मैंने हाँ भर ली जी। लगभग 17 साल मेरा उनका संपर्क साथ रहा, मेरे को उन्होंने इस धारा में डाल दिया जी जी, और एक ऐसी धारा में डाला जो आज भी देश में उपलब्ध नहीं है, कि मैं अब वेदों के उन प्रतीकों का थोड़ा सा प्रयास करते करते इंटरप्रिटेशन कर सकता हूँ जी 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 जी, जो अभी तक नहीं हुआ है। जब से वेद लिखे गए जी, तब से आज तक इंटरप्रिटेशन 2 उपलब्ध है हमको, एक अंग्रेजी में महर्षि अरविंद का है जी, पर
कोई उसे समझा नहीं पाया आज भी, अंग्रेजी के प्रोफेसर भी उसको नहीं समझा पा रहे हैं कि वो क्या लिख के। जी जी जी। दूसरा इंटरप्रिटेशन संस्कृत में है जो पंडित मधुसूदन ओझा का है, उसको भी संस्कृत के प्रोफेसर अभी तक नहीं समझा पाए। मतलब इतना गूढ़ है, इतना गूढ़ है। जी जी जी। मतलब उन्होंने तो अपनी तरफ से बहुत सिंप्लीफाई करके लिखा है जी। पर वो भी वापस चूंकि प्रतीकों का प्रश्न है, क्या है अब आजकल हमारे यहाँ लोगों को इतना पैसा मिलने लगा है कॉलेजों में प्रोफेसरों को, अब लाख लाख डेढ़ डेढ़ लाख रुपए मिलता है, वो कहे यार कौन मातब जी पसेगा। अब इसको यूँ देखें, छात्रों से पैसे मिलते हैं, कॉपियाँ जांचो तो पैसे मिलते हैं, नौकरियाँ लगाओ फलाना करो, सारे दिन पैसा ही पैसा है उनके तो जी। तो एक भी मुझे कोई नहीं मिला। मैं संस्कृत यूनिवर्सिटी में जा जा करके मैंने लोगों से कहा कि भाई कोई मेरे साथ आके जोड़ो, मैं उनको स्टाइफंड भी दूंगा, आप यहाँ अध्यापक हैं बहुत अच्छी बात है, फिर भी मेरे साथ आइए, मैं आपको वहाँ आने का भी अलग से पैसा दूंगा, 10,000 महीना, 15,000 का, जो आपको चाहिए दूंगा, पर कुछ आगे तो बढ़े हम, अकेला आदमी इतना बड़ा काम थोड़ी किया जा सकता। कब आज तक एक नहीं आया। फिर मेरे एक प्रोफेसर दयानंद भार्गव है, रिटायर्ड बुजुर्ग है, तो उन्होंने कहा चलो मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ, अब हम दो आदमी हुए। तो उन्होंने मुझे जो सायण मणिधर के जो अनुवाद हैं उनमें जो मूल शब्द हैं उनके अर्थ समझ पकड़ के सिखाना शुरू किया जी, तो मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी वैसी, तो उससे मेरे को पकड़ में आ गया कि देखो कहना ये चाह रहे हैं, सायण ने जो अनुवाद किया वो उससे समझ में नहीं आ रहा है जी जी जी, पर वो भार्गव जी ने मुझे उस लाइन में खड़ा कर दिया जी जी जी। अब धीरे धीरे मैं और वो दोनों मिलके हमने कुछ पुस्तकें अब तैयार की जी, वेद विज्ञान की, जो वेद विज्ञान की पुस्तकें देश में अभी उपलब्ध नहीं है जी जी जी, पहली बार अब हम ये लेकर ला रहे हैं। तो यदि कोठारी जी मैं सार में जानना चाहूँ अपने दर्शकों के लिए कि उसमें क्या ऐसा तत्व है, सार है, शिक्षा है जो सभी को जानने की आवश्यकता है और जो शायद जीवन को परिवर्तित कर सकता है। देखिए जिंदगी के तीन धरातल हैं जी, स्थूल धरातल है, सूक्ष्म है कारण, तीन शरीर है हमारे, और अधिदेह अधिभूत और अध्यात्म, ये तीन लेवल पे हम जी रहे हैं जी। जो अधिभूत है वो सब सामने है, स्थूल शरीर है, स्थूल जगत है और हमारे एक दूसरे के रिश्ते, सब चीज सामने दिख रहे हैं, पर इनके कारण सूक्ष्म है जो हमको नहीं दिख सकते, इसको हम यूं समझे बात को जी, जी। तो वो जो सूक्ष्म धरातल है उसका और स्थूल का रिश्ता क्या है, ये रिश्ता हमको वेद में दिखता है जी, जी। क्योंकि व्यवहार का जो धरातल है ये तो नीतिगत मार्ग है, संस्थागत मार्ग है, सरकारें हैं, प्रक्रियाएं हैं, न्याय है, कानून है, ये सब नीतिगत मार्ग है जी। ये जो सूक्ष्म का मार्ग है ये धर्म का मार्ग है जो प्रत्यक्ष नहीं दिखाई दे रहा किसी को, लेकिन इस स्थूल का कारण धर्म है, अपन यूं देखें, और इस धर्म का कारण ईश्वरीय मार्ग है, वो और ऊपर की संस्था है जिस पर आप ईश्वरीय विश्वविद्यालय आप कह रहे हैं, तो वो एक और ऊपर का मार्ग, जैसे कृष्ण गीता पर बोल रहे हैं, सब जानते हैं कि अर्जुन को गीता सुना रहे हैं जी। लेकिन कृष्ण के भी तो तीन धरातल हैं, स्थूल कृष्ण है, सूक्ष्म कृष्ण है और कारण कृष्ण है। स्थूल में वसुदेव के पुत्र वासुदेव कृष्ण है, तो वो क्या बोल रहे हैं, गीता कृष्ण क्या बोल रहे हैं, और कारण विष्णु के अवतार हैं, तो वो विष्णु बन के क्या बोल रहे हैं जी। तो ये जो तीन धरातल मेरे को और कहीं से समझ में आ नहीं सकते, मुझे वेद में जाना पड़ेगा जी जी जी। और अगर मुझे वो भाषा समझ में आ गई तो मुझे मेरी जिंदगी का स्वरूप समझ में आ जाता, वरना नहीं आएगा जी जी जी। आप सच बोलते रहिए, झूठ मूठ बोलिए, किसी को तंग मत करिए, इन चीजों से मैं अपने स्वरूप को नहीं समझ सकता। जो तक समझने की बात तो ये है जी जी, मुझे मालूम है कि जिस शरीर में मैं जी रहा हूँ वो शरीर नश्वर है, उसकी एक उम्र है, उसके बाद समाप्त हो जाएगा। बिल्कुल। इसका मतलब मैं शरीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो अमर हूँ, मैं तो नहीं मरने वाला ना, मैं तो आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ जी, 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 अमर हूँ। हाँ। मुझे माँ बाप ने पैदा नहीं किया, तब पहली बात तो ये है कि मेरा और शरीर का रिश्ता क्या है और क्या हो, ये वो
दृष्टि है जी। जो मैं आज भी मैंने दादी जी को कहा कि आपके विश्वविद्यालय में ये पढ़ाई जानी चाहिए। जी 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 हम पूर्व जन्म को मानते हैं, हम कर्म और कर्म के फल को मानते हैं। मेरे घर में कोई नया जीव आया है जी, गर्भ में कोई जीव आया, कहां से आया? किसी एक देह को छोड़कर आया? बिल्कुल, यहां तक तो स्पष्ट है जी, पर कौन सी देह को छोड़ के आया? प्रसव के बाद वो मानव देह में जिएगा, पर अब मान लीजिए वो एक हिंसक प्राणी था, शेर था, चीता था, बाघ था, उदाहरण दे रहा हूं, उसका आत्मा अभी संस्कार उसी जीवन के हैं उसके पास जी जी। उसको अगर आदमी नहीं बनाया, उस जीव को संस्कारित करके मानव जीवन लायक नहीं बनाया जी, तो 100 साल तक इस शरीर को वो हिंसक पशु के जैसे काम में लेगा। बिल्कुल, मतलब वही संस्कार, आक्रामक रहेगा वो। बिल्कुल वही संस्कार, मतलब वही संस्कार। अब ये संस्कार कौन देगा? उसको इंसान कौन बनाएगा? माँ बनाएगी जी जी जी। कब बनाएगी? जब वो पेट में होगा। माँ का और बच्चे का, संतान का जो संबंध है केवल पेट में, तीसरा वहां कोई नहीं होता बीच में। अभी मनु कैसे बना? पेट में बना ना। बिल्कुल, उसने कहानी पूरी वही सुन ली थी कि चक्रव्यूह का भेदन कैसे करें। हाँ, चक्रव्यूह का भेदन कैसे करें जी, वही सीखा ना। आप, मैं अमेरिका गया फॉर पहली बार 84 में जी। मैंने वहां की महिलाओं को, यंग मदर्स को, प्रेग्नेंट मदर्स को कैसेट्स खरीदते हुए देखा। इनका क्या भाई, कहता हम इन बच्चों को लैंग्वेज सिखाएंगे, जर्मन की कैसेट ले जा रहे हैं कोई, तो मैं देख रहा हूँ कुछ ग्रामर की कैसेट ले जा रहे हैं जी। मैं बहुत चक्कर रह गया। वो मदर्स अपने पेट में बच्चों, संतानों को पेट में सिखा रही है, म्यूजिक सिखा रही है, आप सोचिए जी जी। यानी और हमको अभिमन्यु के ऊपर अभी तक भरोसा नहीं जी, जो कि हमारे यहाँ प्राचीन काल से ही हम कथा भी सुनते आ रहे हैं। मेरा यही निवेदन है जी, जी। कि मुझे अपने शास्त्र पे भरोसा नहीं और उस शास्त्र पे वो जिंदगी वहाँ जीत, लोगों को जीते हुए देख रहे हैं हम जी जी। तो यार ये कितना बढ़िया, मेरा खून जो है ना आप समझ लो ऐसा खेल बढ़ गया उनको देख के जी जी। हमारी माँ माताओं को ये आज मैं इस संस्था की सबसे बड़ी खास बात ये मानता हूँ कि माता बहनों की संस्था है जी जी जी। मातृशक्ति संचालन कर रही है इसका। मातृशक्ति, तो मैंने दादी जी से कहा कि माँ आपके यहाँ एक कोर्स होना चाहिए जी, मतलब मातृत्व के ऊपर डिग्री दी जानी चाहिए, स्त्रीत्व पर डिग्री दी जानी चाहिए जी जी, स्त्रीण भाव को लेकर के क्यों नहीं आप अर्धांगनी पर डिग्री दी जानी चाहिए कि हिंदुस्तान में उनमें इतने गुण हैं, इतने करेक्टर हैं जी, हम तो बोलते ही नहीं जी जी जी। और आपकी इतनी सारी महिलाएं हैं ब्रह्मचारी जिनको आप ब्रह्म कुमारी कह रहे हैं, इनमें किसी को भी नहीं आता ये। पटारी जी, कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पे सिखाई जा रही हैं, जैसे मैं आपको कहूँ कि जैसे आपने मैं कौन आत्मा की बात कही, आत्मा यहाँ पहले लेसन के रूप में ही इस विश्वविद्यालय में दिया जा रहा है, और साथ ही जो मातृशक्ति की बात आपने कही, गर्भ में ही शिशुओं के अंदर संस्कार रोपित किए जाएं, तो अभी एक प्रोजेक्ट वैसे एक लॉन्च किया गया है जिसमें कि कैसे जी जी कि गर्भ में ही बच्चे को कैसे संस्कारित किया जाए और कैसे उनके अंदर अच्छे संस्कार डाले जाएं, उसके ऊपर विशेष करके कार्य चल ही रहा है। एक विशेष चीज कोठारी जी, बीच में रोक रहा हूँ जी, आपने कहा मैंने गर्भ में उसको सच बोलना सिखाया, पहला सवाल मेरा यह नहीं है, मैं पहले जो शिक्षा देने की जरूरत है वो ये है कि मेरे उस माँ को समझ में आना जरूरी है कि ये कौन सा शरीर छोड़ के आया जी, मैं क्या सिखाऊंगा, नहीं तो मैं सबको फिर वही एक कॉमन फीडिंग शुरू कर दूंगा। नहीं, हर जीव को अलग तरह की एजुकेशन चाहिए, किसी दो को एक जैसी नहीं चाहिए जी, कोई कबूतर का शरीर छोड़ गया उसको कुछ और चीज चाहिए, कोई आदमी का शरीर छोड़ गया उसको और चीज चाहिए, पर ये केवल माँ को ये सिखाना पड़ेगा। कोर्स क्या हो, माँ ये कैसे जाने कि कहाँ से आया, आप समझिए ये हमारे बहुत लिटरेचर है जी जी जी, और ये केवल माँ ही समझ सकती है कि ये जीव कौन सा शरीर छोड़ के आया, उसका स्वभाव बदल जाएगा, उसके टेस्ट बदल जाएंगे, उसके सपने बदल जाएंगे, स्वभाव बदल जाएंगे, दिनचर्या बदल जाएगी ये, और वो खुद माँ तैसे तय कर लेगी जी जी जी, और वो उससे बात कर रही है आप समझिए जी,
ये खाली माँ को अवेयर करने की बातें सिखा हम नहीं सकेंगे। हम तो माँ को अवेयर करेंगे, तुम इन सब चीजों का अवेयर, इनके बारे में अवेयर रहो कि ये होगा ये होगा ये होगा, और तुम्हें उनका अर्थ ढूंढना है। फिर उस बच्चे से डायलॉग करना है कि तुमको क्या, इस घर में आ रहे हो, इस घर की जरूरत क्या है, समाज की जरूरत क्या है, देश की जरूरत क्या है, उस तरह से उसको ट्रेंड करना पड़ेगा। लोरियां सुनानी पड़ेगी, कहानियां सुनानी पड़ेगी, इतिहास सुनाना पड़ेगा जी। तो पुराण गीता जो चाहो तुम क्या बनाना है तुमको वो भी सुनाने पड़ेंगे, और साथ में इंसान के संस्कार भी साथ डालने पड़ेंगे। संगीत सीखे तो पहले वो इंसान बन के संगीत सीखे, मेरा अर्थ ये है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो बहुत बड़ी ट्रेनिंग की जरूरत है कि माँ समझे कि आ कहाँ से रहा है, तब उसको पता है कि मुझे इसको इंसान बनाना है। बिल्कुल। शेर को बनाना है, सर्प को बनाना है, कबूतर को बनाना है, मतलब ये एक सुंदर जागृति है, बड़ा पार्ट है। तो ये जो एक मातृशक्ति के ऊपर जो कार्य प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय में हो रहा है कोठारी जी, जैसे आप यहाँ आए हैं, आपने देखा कि समूचे विश्व में 140 देशों में मातृशक्ति ही इस विश्वविद्यालय का संचालन कर रही है, हर फील्ड में महिलाएं आगे हैं। तो इस विश्वविद्यालय के बारे में आप क्या कहेंगे, मातृशक्ति के बारे में क्या कहेंगे जो यहाँ कार्य हो रहा है? कार्य जितना इस सृष्टि में हो रहा है वो मातृशक्ति ही कर रही है जी। जीव या प्रजापति या ब्रह्मा, ब्रह्म कर्ता भाव में नहीं होता, आत्मा कभी कर्ता नहीं है, तो कर्ता है वो माया है, कर्तृत्व जो भाव है वो माया का है। तो जो कुछ होना है होना तो माया के थ्रू ही है। आपके भी परिवार में आप जब देखेंगे तो काम आपकी पत्नी ही करेगी, वो आपकी शक्ति है, वो अपनी पहचान के लिए कोई काम नहीं करेगी। मेरी पत्नी भी मान लो आज कहीं मंदिर गई है तो वो वापस आके कहेगी मैं आपके नाम से 5,000 रुपये चारे के लिए जमा कराई, आप पैसे भिजवा देना। अब भी समझे वो आज भी मिसेज कोठारी बन के जियेंगी, पहले कहीं भी किसी रूप में जी रही होंगी पियर में जी। वो सब छोड़ जाएगी। नौ शक्ति हमेशा शक्तिमान का ही हिस्सा माना जाता है, हमारे यहाँ पत्नी शक्तिमान का ही हिस्सा है। उस भाव को हमें समझना पड़ेगा, तो उसकी हम जो काम कर रहे हैं वो उसकी सामाजिक दिशा में काम कर रहे हैं। देखिए पहला जो महत्वपूर्ण काम है वो समाज के निर्माण का काम है, व्यक्ति के निर्माण का काम है, जीव के विकास का काम है जी। बहुत बड़ा फर्क। नहीं जब मैंने पहले हिस्से में हमने माँ को ये बताया कि माँ इंसान बनाएगी उस जीव को, संस्कारित करके रूपांतरित करके उस आत्मा को प्रसव से पहले इंसान बना देगी, यहाँ हम कहते हैं माँ पहला गुरु है जी। और कहीं नहीं है वो पहला गुरु। पैदा होने के बाद वो गुरु नहीं है, जीरो। माँ गुरु है पैदा करने से पहले जी। आप इसको यूं समझे माँ की भूमिका क्या है, वो भी यहां समझ में आ जाएगी आपको। जब नया निर्माण करना है आपको मृत्यु से गुजरना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को छोड़ना पड़ेगा, उसके बिना आप नया निर्माण नहीं कर सकते जी, जी। तो वो माँ प्रसव काल में मृत्यु से गुजर रही है। अब इसको वहां समझ लें जी। आम गुठली जब तक जमीन में नहीं गड़ रखी पेड़ नहीं बन सकती। साथ में देख लें उस बात को जी, जी। तो अगर मुझे निर्माण पेड़ बनना है, आम लगने हैं मेरे, छाया देनी है समाज को, सबसे पहले मुझे खुद को भूलना पड़ेगा। ये माँ की भूमिका यहाँ समझ में आएगी साहब जी, जी, जी। निर्माण तब होगा जब मैं अपना अस्तित्व छोड़ दूं, तब निर्माण नया खड़ा होता है जी, जी। तब आप देखिए माँ की ये दूसरी भूमिका यहाँ। अच्छा आजकल तो सिजेरियन मदर्स भी तो होती हैं, उनको तो मौत से नहीं गुजरना पड़ रहा है जी। आप यूनिवर्सिटी में ये सर्वे करा लेना, उनके पास वो ममता का भाव नहीं होगा जो प्रसव यस जी, जी। उन्होंने दर्द ही नहीं देखा माँ बनने का, मौत के उस द्वार से गुजरे नहीं जी, जी, जी। तो उस बच्चे के साथ जो जुड़ाव है वो मौत उस दर्द का है कि यार इसकी वजह से मैं, आप समझिए साइकोलॉजिकली भी हम देखेंगे तो वो दर्द का वो जो रिश्ता है जी, जी। तो सिजेरियन मदर में तो हो ही नहीं सकता, छह बार छह बच्चे हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है।
दर्द, आप समझे ना, देखो मैं कहाँ ले जा रहा हूँ बात को। जी 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 तो हम खाली साइंस वाले कहते हैं या मॉडर्न, हम एजुकेशन में बराबरी का ये बात मान लेते हैं, ये भी माँ है, ये भी माँ होगी, सब माँ तो है ही। पर अच्छा, माँ भी उसी दिन बनती है, वो जिस दिन संतान हुई, उसके पहले माँ नहीं है। जी 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 तो जिस दिन बच्चे का बर्थडे, उस दिन माँ का भी बर्थडे है, जी जी ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल फिर पिता माँ के शरीर में प्रवेश करके संतान बन के निकल रहा है, समझे इस बात को भी। जी जी तो ये पिता का भी बर्थडे है, वो भी तो पिता बन रहा है पहली बार, जी 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 और खुद ही संतान बन रहा है, अपना ही पिता बन रहा है, दूसरे का नहीं बन रहा है, जी संतान में ही पिता है, संतान ही पिता कहलाती है। आप देखो तो सही, हमारा वेद इस साइंस को कैसे सिखाता है हमको, बिल्कुल नहीं? बिल्कुल, बहुत ही गहन बात है ये, और बड़े सूक्ष्मता से इस पे सोचने और विचार करने की बात है है ना, कि कैसे ये एक चक्र चलता है। कोठारी कितना जी, सिंपल है लेकिन। जी जी बहुत सिंपल है, लेकिन वही सिंप्लीफाई करने की शायद आवश्यकता थी जो आप कर रहे हैं भार्गव जी के आपका साथ सवाल बहुत बड़ा मिलके। है ना असल में। आप कह रहे हैं कि ब्रह्म कुमारी जो काम इस वक्त विश्व पटल पे कर रही हैं, जी उसके बारे में मेरा सोच क्या? मैं आप सब वापस मैं आपके सवाल पे वहां आ रहा हूँ, पर मैं उस स्वरूप को यूँ समझिए कि थोड़ा और स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि वहां तक जा सकता है, जी अगर अभी भी नहीं जा रहा होगा तो इस बात से वो उधर विचार चिंतन शुरू हो जाएगा, तो वो अपने कामकाज में इस चीज को जोड़ देंगे, तो उनका और गहन प्रवेश हो जाएगा जी समाज जी के विकास में। बिल्कुल यह बिल्कुल, अर्थ था मेरा इस बात को कहने से। हाँ जी तो हाँ जी सामाजिक स्वरूप एक अलग चीज है, जी इस स्वरूप से इंडिविजुअल व्यक्तित्व का निर्माण हो रहा है, हर हम इंडिविजुअल व्यक्ति को संस्कारवान बना रहे हैं, जी जी तो समाज अपने आप संस्कारवान हो गया। बिल्कुल अलग से संस्कारवान सरकार कहते हैं समाज को संस्कारित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आज इसलिए पड़ रही है कि माताएं अपना काम नहीं कर रही, वो स्कूल ही बंद हो गया, आप समझ रहे हैं। जी तो जी शेर का शेर आया और शेर ही बन के जी रहा है, तो आज जितने हिंसा फैली है, आक्रमण हो रहे हैं, जी ये जो आक्रमकता आई है समाजों में, इसका कारण तो ये है कि जो जीव जहाँ से आया वैसे का वैसा हमने समाज को परोस दिया, जी जी उसको जी इंसान ही नहीं बनाया। बिल्कुल। आप तो सोचिए इस एक पे। एक बात तो कोठारी जी ये हो गई कि चलिए अब जो संतति आने वाली है मातृशक्ति उस पे कार्य करे, लेकिन अब जो ये हिंसक प्राणी घूम रहे हैं चारों तरफ, तो नारी शक्ति, जो मैं ब्रह्मा कुमारीज की बात कर रहा था, ये नारी शक्ति माँ बन के अभी जो ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग सबको सिखा रही है, उसकी कितनी महत्ता मानते हैं आप समाज के हर प्राणी के लिए, हर व्यक्ति के लिए? महत्ता तो बहुत है भाई, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इतनी महत्ता है, अगर नहीं होती तो मैं आता ही नहीं। महत्ता तो इतनी जबरदस्त है, और वो नारी शक्ति की ही है, पुरुष शक्ति की नहीं है। मैं पुरुष को उस दृष्टि से क्रिएटर नहीं मानता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप यहाँ आए, आपने सुंदर अनुभव रखे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मित्रों, कोठारी जी के साथ बहुत ही गहन और गूढ़ चर्चा रही है, आध्यात्म के विषय में भी, साथ ही नारी शक्ति के विषय में भी, कि कैसे एक नारी हमें गढ़ती है माँ के रूप में, पत्नी के रूप में, साथी के रूप में। सचमुच यदि देखा जाए तो आध्यात्म की ओर जब हम बढ़ते हैं तो जीवन में एक निखार सा आना शुरू हो जाता है, या हमारी चिंतन में एक परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। कई चीज़ को हम बहुत ही स्थूल रूप में, मोटे तौर पे देखते हैं, लेकिन उसके पीछे जो सूक्ष्मता है वो तब समझ में आती है जब हम अध्यात्म को जानना और समझना शुरू करते हैं, और जब ये सूक्ष्म तत्व हमारे जीवन का अंश बनने लगते हैं तब बाहर की स्थितियां, परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। आज भी जो समाज की स्थिति हम देख रहे हैं या नारी की स्थिति हम जो देख रहे हैं, उसमें भी परिवर्तन तभी आ पाएगा लगता है जब इस आध्यात्मिक सूक्ष्म तत्व को हम समझेंगे और अपने जीवन का अंग बनाएंगे। तो क्यों ना इस सूक्ष्मता की ओर अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। अब तक तो जीवन में हम जीते आए हैं, बहुत सारी चीज़ों को हमने देखा, जाना, समझा है, क्यों ना आध्यात्म तत्व को भी हम समझने की कोशिश करें, इससे अपने जीवन का श्रृंगार करें, तो सचमुच जीवन आलोकित हो जाएगा, और ना केवल हमारे जीवन में परिवर्तन आएगा बल्कि समाज में भी हम संपूर्ण परिवर्तन को ला पाएंगे। तो हम सब मिलके अध्यात्म की ओर बढ़ें, जीवन को, संसार को श्रेष्ठ और सुखद बनाएं, इसी शुभकामना के साथ आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।